हम पहुंच गए स्कूल। इधर पढ़ता था मैं, ये आपको दिख रहा होगा ना, आई स्कैन। काम करने आए हो इधर? हाँ। कहाँ से हो? एमपी। हमने ना ये वाली मिट्टी कल उधर से लाए थे, हम बहुत ज्यादा दूर ऊपर से लाके अभी हम भैया के पास खाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आज ना मैं 3-4 दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। आपको पता है कि मेरी भर्ती 17 तारीख को है, तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स बनाने में बिज़ी था। मेरे को कभी बसोली जाना पड़ता था तो कभी महानपुर जाना पड़ता था। बाकी अभी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने कम्प्लीट कर दिए हैं, सिर्फ अब रनिंग करूँगा 5-7 दिन, उसके बाद फिर आपको पता है मैं भर्ती देखने जाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है भर्ती में। बाकी आज के मौसम की बात करें, रात को ना हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन सुबह सुबह ही ना धूप लग गई है मस्त वाली। और अभी टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं, तो घर वाले सारे अपने अपने काम पे लग गए हैं। दादी जी नहा के आ गई है, तो दादी जी कर रही हैं पूजा। बाकी मम्मा जी 3-4 दिन से ना मिट्टी लगाने में लगी है, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो मिट्टी लगाने का। सब जो हमारे पहाड़ के लोग हैं ना, अपने अपने घरों में मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो फिर अगर मिट्टी नहीं लगाई होगी ना तो फिर बह जाते हैं जो भी दीवारें। आपको पता है कि पहाड़ों में कच्ची मिट्टी की दीवारें होती हैं। हमने ना ये वाली मिट्टी कल उधर से लाए थे, हम बहुत ज़्यादा दूर ऊपर से लाए थे, और सुबह से मैं रनिंग करने गया था और मम्मा और बीपिन वो कर रहे थे, इस मिट्टी को पूरा सेट कर रहे थे। रनिंग करके आता हूँ तो काफी ज्यादा भूख लग जाती है, तो देखते हैं विशु क्या बना रही है, क्योंकि आजकल खाना ना विशु ही बना रही है काफी दिनों से। अभी तक आग जलाई है विशु ने। है विशु, सुबह कितने बजे उठे थे? 6 बजे। झूठ बोल रही है 6 बजे, अभी आग जला रही है गाइस, देख लो। तो आग भी थोड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो यार। हमारे पहाड़ों में ना पूरी कटाई हो गई, जो भी मक्कियां मुकियां थे ना, अभी हम खेत भी जोतना शुरू कर देंगे। और जब तो हमारे मक्कियां थी ना, तब तो हमारे मोहल्ले वाले नहीं दिखते थे नीचे से, लेकिन जैसे मक्कियां कटी है, अभी उनके घर भी आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे। बाकी हमारे घर तो ऊपर हैं ही, तो वो तो उनको तो दिख जाते थे हमारे घर, लेकिन उनके हम लोगों को नहीं दिखते थे। तो अभी ऐसा हो गया ना कि मक्कियां कट गई, तो ये देख लो आपको भी दिख रहे होंगे नीचे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दिन के 12, बाकी खाना खा लेते हैं। सुबह भी यही खाना मिला था, अभी भी यही मिल रहा है, आलू बने हैं और साथ में ये फुलके हैं। चावल तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि भर्ती अभी वो नज़दीक आ गया ना, तो अगर चावल खाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यार ये रख दिया मैंने पाँव, मेरे को ना दिखी नहीं थी मिट्टी, सीधा इधर से आया सीधा इधर पाँव रख दिया। बाकी यार खाना तो हो गया अच्छे से, इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी ना मेरे को, मैंने ऊपर से मिर्ची खाई, विशु ने मिर्ची डाल रखी थी प्लेट में, मैंने खा ली। और मैं जस्ट ना ब्रश करके आया था नहा के, तो आपको पता है जब ब्रश कर रहा हूँ ना तो सेंसिटिव हो जाती है जीभ, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई। चीनी खाई मैंने 2-3 बार, फिर ठीक हुआ। मम्मा ठीक है, जा रहा मैं, ठीक है जल्दी आ जाओ। लेके आ गई, इसको खोल दे, आ गई अंजलि लेके फाइल, इसको खोल। अंजलि ने आज विशु का सूट पहना है ना अंजलि, मेरे को बोल रही थी कि हाँ इसमें डाल दे। धारमानपुर जा रहा हूँ हैं सच, तभी तो जा रहा हूँ फाइल लेके, झूठ लग रहा तेरे को। अमरूद किसके घर आई? अंजलि हमारे घर है। कहाँ? अच्छा उस इस वाले अमरूद पे होंगे, तो चलते यार जल्दी जल्दी से ना, लेट हो जाएंगे। और वो लड़का रुकता नहीं है जिसको मैंने बोल रखा है ना, उसके घर इधर से थोड़ा ऊपर ही है, और वो बहुत पहले का रेडी हो चुका था, तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी से। देर चलने के बाद फाइनली पहुंच गया हूं मैं अजय भाई के पास, और मेरे साथ हमीद भाई हैं। हमीद भाई हाई कर दो सबको। इन्होंने मेरी फाइल उठा ली, बाकी अजय भाई इधर बैठा है मजे से। देख लो ये ग्राउंड बन रहा है धारमानपुर। काम करने आए हो इधर? हाँ। कहाँ से हो? एमपी। एमपी से? कैसा है इधर मौसम? सही है? मौसम तो सही है, उधर तो गर्मी हो गया ना। हाँ। देख लो, बाकी ये देख लो कुछ ऐसे सीन है, टैंकर टूंकर है पानी का, देख लो गाइस। अजय भाई मेरे को बोल रहे हैं कि आगे देख के चल ले, और खुद चले गए थे पानी में, गई भैंस पानी में, अगर नहीं देखता ना थोड़ा आगे तो सीधा जाता। ये देख
इधर ना काफी ज्यादा कीचड़ हो गया, रात की बारिश हुई है ना। पूरे बंदे ने डोगरी बोलनी है, हिंदी आती आंदी नहीं। चंडीगढ़ रहते उधर भी डोगरी बोलते और क्या। डोगरी बोलते बोरा में, चंडीगढ़ रहता उधर भी डोगरी बोलता। फिर उधर के लोग क्या बोलते हैं तेरे को, डोगरा हैं? आगे देखे चेक करें। ये देख लो गाइस कितना ज्यादा कीचड़ है इधर। आज चल ले, 10 रुपए दूंगा अभी निकाल के, कीचड़ में पैर रखने हैं। चल ठीक है गाइस, अगर मेरे को अजय भाई ने 50 रुपए दे दिए ना तो मैं कीचड़ में घुस जाऊंगा पक्का। अजय भाई प्रॉमिस कर रहा हूँ, तू भाग ही जाएगा मेरे को घुसा के इधर। बाकी चलते हैं धारमनपुर, अभी इधर से रह गया थोड़ा ही, 2-3 मिनट का रास्ता। तो फाइनली हम पहुंच गए स्कूल, इधर पढ़ता था मैं, ये आपको दिख रहा होगा ना हाई सेकेंडरी धारमानपुर लिखा है। बाकी पीछे ग्राउंड का काम चल रहा है और साइड साइड में ना ये बाउंड्री अभी कुछ हो रहा है, इसका काम चल ही रहा है। पर ये वाला लेके आ जाऊँ करेक्टर, ये बोनाफाइड, ये दो ही हैं। हाँ जो मतलब इधर जो मैं लाया हूँ मानपुर से, आज ही आपको दिखाएगा ठीक है पूरा स्कूल को इधर से, और अंदर भी दिखा देना थोड़ा ठीक है। आ रहा मैं जल्दी आ रहा ठीक है। फाइनली बन गया हमारे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कि अभी हम भैया के पास खाएंगे। क्या खाएंगे आज? स्ट्रॉबेरी वो है पेस्टी, स्ट्रॉबेरी नहीं है वाइट है। दो दे दो, दो तो गाइस खा लो, बाकी देखते हैं टेस्ट करके। क्या बन गया क्या मुँह? टेस्टी है, मज़ा आ गया। हेलो भैया कैसे हो? कहाँ हैं घर? एमपी हैं घर? मैं भी एमपी का ही हूँ यार। तो गाइस चलते हैं अब घर, इधर कुछ भी काम नहीं है, बारिश ना हो जाए, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई है पीछे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास छाता भी नहीं है। बाकी इधर से घर तो 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा, वो देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी है पीछे। तो दोस्तों 5:30 हो गए हैं शाम के, और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया धारमानपुर, जो स्कूल में मेरे को काम था बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का। फोटो रहे अब तो फोटो का मैं चार्ट पूरा ही ले लूँगा जब जाऊँगा भर्ती देखने 17 तारीख को, तो उसी दिन निकल जाएंगे फोटो। बाकी अभी मैं इधर पहुँचा और इधर से देख लो आपकी शाम का कुछ ऐसा व्यू दिखता है।